यू नीड टू ड्रास्टिकली चेंज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024। अभी से प्रिलिम्स की तैयारी शुरू कर दो नेक्स्ट ईयर की, अभी से सी सैट की कोचिंग ज्वाइन कर लो, सारे पुराने सोर्सेस आर नाउ यूजलेस, इंडिया ईयरबुक जो 1200 पेज की है वो सारी अभी से रटना शुरू कर दो। दिस इज द कैकोफनी दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ बिकॉज ऑफ वन पेपर दैट वॉज टफ, इरेशनल, वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। बट डू वी रियली नीड टू बिकम एग्जैक्टली डिफरेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024, या we need to continue with logic, rationality and go forward with the plan that we would normally have. In this video, I'm going to discuss what you need to do now for the Civil Services Exam 2024. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Mains 2023 ki baat karte hain. I'm assuming that if you are watching this video, you are aiming for 2024. So, 14,000 people are giving the mains. These are the people who you wanted to be in. राइट ये वो लोग हैं जिन्होंने इस साल का प्रीलिम्स क्लियर किया है और आप यहाँ होना चाहते थे। दे विल गिव द मेंस इन सितंबर एंड देन टेक अ स्मॉल ब्रेक टिल दिसंबर जब तक मेंस के रिजल्ट्स आते हैं। बिलीव मी इस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं होती, दो बार आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट रियली स्टडी बिटवीन द मेंस एंड द मेंस रिजल्ट्स। नाउ 11,000 पीपल विल बी आउट इन दिसंबर, कितनी भी मेहनत कर लें, 14,000 कितना भी एफर्ट कर लें, 11,000 लोग आउट होने वाले हैं, सिर्फ 3,000 लोग इंटरव्यू देंगे। 3,000 लोग जो इंटरव्यू देंगे वो कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दें, चाहे पहले से सारे क्वेश्चन ज्योतिष से प्रेडिक्ट करवा लें, फिर 1,000 ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ भी 2,000 विल बी आउट। सो 11,000 हियर एंड 2,000 हियर, ये 13,000 लोग कुछ दिसंबर में, कुछ मे बी थोड़ा टाइम उसके बाद विल स्टार्ट अगेन एंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 विल कम्पीट विद यू नेक्स्ट ईयर इन 2024। बट हम अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं। नाउ हमारा अभी क्या फोकस है, लेट्स रैंट अबाउट यूपीएससी प्री 2023। बहुत बेकार पेपर था, डिफिकल्ट पेपर था, सी सैट से इंजीनियर्स के लिए हो गया, सी सैट इज वेरी वेरी अनफेयर, राइट, यू नीड अ मैथ्स बैकग्राउंड, लेट्स टेक अ ब्रेक, रिलैक्स करते हैं, अब तो नेक्स्ट ईयर पेपर है, इट डजंट मैटर, राइट। बट मोर देन 3 वीक्स हैव पास्ड सिंस 28th मई। बैकअप प्लान और प्लान बी की बात मैं पहले इस चैनल पे बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, but now my focus is those people who are in the cycle and they want to crack this exam in 2024. If you want to crack this exam in 2024, you cannot spend your time here. You do not have time. Is illusion mein mat jiyo ki aapke paas bahut time hai 2024 ke liye. Let me scare you straight. Mains and interview mein, mains mein 1750 marks, interview mein 275 marks. Ye milke aapke 2025 marks bante hain. जिसमें से आपके कितने मार्क्स आएंगे इस बेसिस पे ही रैंक डिसाइड होती है। अल्टीमेटली इट इज दिस द मेंस एग्जाम दैट डिसाइड्स वेदर यू विल मेक इट इन दिस एग्जाम और नॉट, राइट। क्या फाइनली विल यू बिकम अ सिविल सर्वेंट और नॉट इज डिसाइडेड इन द मेंस। बट हम अभी भी प्रीलिम्स के, वी आर इन द शैडो ऑफ प्रीलिम्स। सो इस वीडियो से अगर आपको एक मैसेज लेना है, लर्न टू शेड, फॉरगेट, एडमोनिश, ऑब्फुस्केट, एक्सटर्मिनेट द प्रीलिम्स 2023 पेपर, भूल जाओ इसको। हाँ चेंजेस आर रिक्वायर्ड, हाँ डिफरेंट थिंग्स नीड टू बी डन, मे बी आर अप्रोच नीड्स टू चेंज, बट क्या ये अप्रोच अभी चेंज होनी है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट प्रीलिम्स, दिस इज ओनली द टाइम टू थिंक अबाउट मेंस। 6 months यू हैव, जून जो आधा से ज़्यादा जा चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दिसंबर, ऑन दिसंबर 1st यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रीलिम्स अगेन। इफ यू हैव गिवन द प्रीलिम्स दिस ईयर, आपको भी ये रियलाइज हो गया होगा कि यू डू नॉट नीड मोर देन 6 months टू चेंज योर अप्रोच, राइट। 6 months में काम हो जाएगा। दिसंबर 2023 में हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे एंड अभी आप मेरे से सुन लो व्हाट चेंजेस वी नीड टू मेक। वी नीड टू डाइवर्सिफाई, हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर एनी सब्जेक्ट। इस बार भी जिन लोगों के जीएस में अच्छे मार्क्स हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज दे हैव फोकस्ड ऑन साइंस एंड टेक, फोकस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर, फोकस्ड ऑन एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री, फोकस्ड ऑन IR, फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट। जो लोग ये अच्छे से करके गए थे उनके अच्छे मार्क्स हैं, जो सिर्फ वही पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री करके गए थे उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो मेन लेसन इज दैट वी नीड टू डाइवर्सिफाई। सेकेंड, सी सैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हमें इसके लिए कोचिंग करनी है, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड हमें ऑप्शन की भी, डिफरेंट ऑप्शन की प्रैक्टिस करनी है। बट क्या अभी करनी है क्या? नहीं, हमें ये करना है दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 के बाद जब तक फिल्म आएगा हम यही करते रहेंगे। बट वॉट डू वी डू हियर,
इस टाइम पे हम करेंगे मेंस की प्रिपरेशन एंड अभी हमें एक प्लान चाहिए फॉर द मेंस द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ जून विल डिसाइड इफ यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल इन सीएससी 2024 टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज लेट मी रिमूव दिस टेक अ स्क्रीनशॉट इसको वॉलपेपर बनाना है जहां रखना है डीटी बनाना है बना लो अल्टीमेटली ये ट्रूथ है द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स विल डिसाइड इफ यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल इन सीएससी 2024 इससे सारी कहानी डिसाइड हो जाएगी अगले साल की व्हाई आई विल टेल यू मेंस में तीन चीजें हैं जो आपका अभी आपने मोस्ट लाइकली अगर आपने इससे प्रीलिम्स दिया है तो यू विल नॉट बी रेडी विद फर्स्ट आई डोंट नॉट थिंक यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी विद योर ऑप्शनल यू विल नॉट बी कंप्लीटली रेडी विद एसे एंड एथिक्स एंड कुछ अनटच सब्जेक्ट्स होंगे आपके अनटच सब्जेक्ट्स जो जीएस में आते हैं जो हम कभी करते ही नहीं और हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये मेंस में आते हैं सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज सब्जेक्ट्स जीएस वन में वर्ल्ड हिस्ट्री क्या आप इस सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट हो ठीक है एक क्वेश्चन आता है मैंने माना बट एक क्वेश्चन तो आता है ना एक क्वेश्चन भी आता है तो भी आप पढ़े बिना नहीं जा सकते मेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस ठीक है एक क्वेश्चन आता है बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा उस एक क्वेश्चन के लिए इंडियन सोसाइटी एटलीस्ट 50-60 मार्क्स इन द मेंस होता है हमने आज तक पढ़ा ही नहीं होता ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी ज्योग्राफी फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव जहां पर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी एंड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये चीज है क्या हमने ये पढ़ा है मेंस के लिए नहीं देन जीएस टू में गवर्नेंस मेंस के लिए 50 मार्क्स सोशल जस्टिस अबाउट 40 मार्क्स इन द मेंस एंड पॉलिटी फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड इट्स एनालिसिस ये चीजें हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी का मेंस का पेपर आंसर भी नहीं कर सकते सो दीज थिंग्स वी हैवन डन देन जीएस थ्री में एग्रीकल्चर राइट एग्रीकल्चर का जो पर्सपेक्टिव है अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थिंग्स अबाउट लेट्स से फूड प्रोसेसिंग एंड इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स ये चीज हम करते ही नहीं देन इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स ये भी 50 मार्क्स है मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट हर साल दो या तीन क्वेश्चन सो 30-40 मार्क्स ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक टच ही नहीं किए हैं एंड हमें ये सब कुछ करना है इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स अलॉन्ग विद आर ऑप्शनल एंड अलॉन्ग विद एटलीस्ट वन ऑफ एसे एंड एथिक्स तो आपके पास टाइम नहीं है यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग फॉरवर्ड इनटू योर मेंस प्रिपरेशन नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट योर डेली रूटीन फर्स्टली डोंट मेक अ रूटीन फॉर अ डेली स्टडी टारगेट आपका स्टडी साइकिल लुक्स लाइक दिस कभी 6 घंटे कभी 8 घंटे कभी 6 घंटे 4 घंटे फिर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है सो लेट्स मेक अ टारगेट ऑफ 50 आवर्स पर वीक कि आज से टिल नवंबर एंड वी विल स्टडी 50 आवर्स पर वीक एंड व्हाट विल वी डू We will focus squarely on the mains examination. Okay. Now, I would recommend to all of you ki aap Forest app install kar le. How this is to be used? The link is in the description. Kaise isko use karte hain? It is basically a study timer that will ensure that you are able to track how much you study and aapke phone se aapko distract nahi hone dega. iOS pe Forest app is free on Android. But agar aapko iOS ke liye ek free app chahiye, Tide is a free app. Does the exact same thing. So now, till November, 50 hours per week. Is the target and the focus has to be on the mains. Now, ab how to split your day? Jo wo 8 hours hain per day, itne approximately ho jayenge 50 hours per week karne ke liye ek din aap break loge hafte mein. So about 8 hours per day, but someday it will be 10 and someday it will be 6. I would recommend that 50% of your day should go to optional. Optional ki coaching karni hai, self study karni hai, jo karni hai aap kariye. Maine anthropology ke liye jo main tips de sakta tha de diye hain. Aap apne optional ke liye you can look at some other toppers video. Okay. And 50% of your time you need to give to GS. GS may be kaun-kaun se subjects jo untouched hain. Wahan pe you need to take your time and build your notes and write previous year questions. Iska main pehle bhi dikha chuka hun ki previous year questions kitne zyada mains mein repeat hote hain. Optional mein bhi hote hain, GS mein bhi hote hain. So you need to take your time and build your notes for the GS. So 50% of your day goes to GS, 50% of your day goes to optional. Now, maan lo aap example ke hisab se aap Indian society padhna start karte ho jo GS paper 1 mein mains mein aata hai. सबसे पहले आप क्या करोगे सिलेबस एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस द वीडियो आई मेड ऑन हाउ टू मेक मेंस नोट्स वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस थिंग इज डन अब इसके बाद नोट्स नहीं बनाने इसके बाद यू रीड फ्रॉम एनी वन सोर्स सोर्स क्या होगा बात करेंगे इस केस में तो यू कैन फॉलो माई खुद के नोट्स वो मैंने अपने टेलीग्राम पर स्कैन करके डाल दिए नाउ सो वंस यू रीड फ्रॉम वन सोर्स यू राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से You will learn how much content is needed.
यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट इन वेरियस डायमेंशंस एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज वट एवर यू फॉरगेट कि क्या क्या चीजें आपको जल्दी जल्दी भूलती हैं. वंस यू हैव डन दिस एंड दिस तो इससे आपको नॉलेज आ जाएगी, इससे आपको समझ आएगा कि मेरी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए थी. देन यू मेक नोट्स फॉर इंडियन सोसाइटी, देन योर नोट्स विल बी कम्प्लीट. इससे आपको डायमेंशन भी समझ आ जाएंगी. अगेन वो हाउ टू मेक मीन्स नोट्स वाली वीडियो जरूर देखना, इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल देखे ही नोट्स बनाए. सो यू मेक नोट्स एंड थिंग्स विल गेट सॉर्टेड. नाउ सोर्सेज एंथ्रोपोलॉजी के तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, द प्रीवियस वीडियो वॉज ऑन दिस. GS1, GS2, GS3 एंड SA पे आई विल मेक अ वीडियो सून एंड आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल के क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए. राइट नाउ जो चीज बच गई वो चीज है GS4, उसमें सिंस आई डिड नॉट स्कोर दैट वेल आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. यू कैन यूज डीकोड एथिक्स, दिस इज अ बुक बाय मुदित जैन सर, बट वट एवर यू यूज यू कैन सी सम अदर टॉपर्स वीडियो और स्ट्रैटेजी फॉर GS4. बट GS1, GS2, GS3 और SA की वीडियोज आई विल कम आउट विद सून. अगर आपको स्टार्ट करना है यू कैन स्टार्ट विद GS1 इंडियन सोसाइटी. जब तक आप इसको खत्म करोगे सारी वीडियोज आ चुकी होंगी और इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. नाउ कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, बात भी थी दैट विल मेक अ ग्रुप फॉर 2024, बट इसमें एक्चुअली आई वुड लाइक योर ओपिनियन. देखो अगर मैं ये ग्रुप बनाऊंगा मिनिमम 10,000 पीपल विल ज्वाइन एंड मेरे हिसाब से 10,000 पीपल कैन नॉट बी मैनेज्ड इन अ सिंगल ग्रुप. अब मुझे नहीं पता चलेगा कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज 2023 के मींस जितने लोग दे रहे हैं दे हैव बीन सेपरेटेड इनटू अ स्पेशल फोकस ग्रुप, वो एक अलग ग्रुप में है. सो अब से जो भी बातें यूट्यूब पे होंगी और जो भी बातें टेलीग्राम पे होंगी वो उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो 2024 का मींस दे रहे हैं, ताकि आई कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर. 2023 मींस पे बात करने के लिए आई हैव अ सेपरेट ग्रुप, वहां उनसे बात हो जाएगी. दिस इज माई ओपिनियन बट इफ यू फील समथिंग डिफरेंट यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स एंड इफ इनफ पीपल से कि उन्हें ग्रुप चाहिए मैं बना दूंगा. बट देन इसकी मैनेजमेंट के लिए भी कोई सोल्यूशन जरूर बताना कि मैं एक अकेला आदमी कैसे इस ग्रुप को मैनेज कर सकता हूँ. ऑल राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट द प्लान अहेड. फॉर दिस आई हैव मेड अ प्रिंटेबल कैलेंडर फॉर यू विच इज अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच इज इन द डिस्क्रिप्शन. ये प्लान इज फॉर द नेक्स्ट 5 months. राइट सो वी विल स्टार्ट विद द मंथ ऑफ जुलाई. मैंने आपको जुलाई 3rd तक का टाइम दे दिया या जुलाई 1st तक का टाइम दे दीजिए टू स्टार्ट एंड गेट योर सोर्सेज इन ऑर्डर. यू स्टार्ट विद 2 weeks ऑफ इंडियन सोसाइटी. अगर कोई मेंस इस साल दे रहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो 2 weeks लगा के इंडियन सोसाइटी पढ़े. राइट द लाइन्स हियर आर नॉट विजिबल, ऐसे लाइन्स हैं डेट्स की, बट इफ यू प्रिंट द कैलेंडर यू विल सी इट. ओके ओके द लाइन्स आर विजिबल नाउ. सो दिस इज व्हाट द कैलेंडर लुक्स लाइक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. लेट्स से जुलाई में क्या है, यू स्टार्ट विद लेट्स से ऑन द 1st of July. यहाँ पे सिर्फ संडेज लिखे हुए हैं. यू स्टार्ट विद इंडियन सोसाइटी. नाउ यू हैव 2 weeks फॉर इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पे यू आर सपोज टू रीड. आफ्टर यू रीड यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट एटलीस्ट 2 or 3 PYQs फ्रॉम ईच सब टॉपिक. आइडली आपको सारे लिखने चाहिए एंड देन यू नीड टू ऑल्सो मेक नोट्स. नोट मेकिंग कैसे करते हैं इस पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. सो दिस 2 weeks go to Indian Society. So till 16th, let's say you're done with Indian Society, and this is of course considering that 50% of your day is going to your optional. So जो भी आपका optional है from July till November वो cover हो जाना चाहिए. हमारा goal ये है कि November में we are becoming mains ready. हमारे GS के untouched subjects और हमारा optional ready है with answer writing. Okay? तो next year जब हम mains देंगे हम ready रहेंगे. Indian Society, then governance. 2 weeks अगेन गवर्नेंस. इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा जो जो मुझे मिलेंगे. कुछ हैंड रिटन है, कुछ किसी कोचिंग मटेरियल के हैं तो वो तो मैं डायरेक्टली डाल नहीं सकता बिकॉज इट्स कॉपीराइटेड, बट इन माय वीडियो आई विल टेल यू वेयर टू स्टडी इट फ्रॉम. ओके देन वी मूव ऑन टू ऑगस्ट. ऑगस्ट में वी विल डू एथिक्स. व्हाई? बिकॉज GS2 का जो गवर्नेंस वाला पार्ट है दैट कंप्लीटली टॉक्स अबाउट सिविल सर्विसेज, गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन द कंट्री, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर एक्सेट्रा. इन्हीं कुछ टॉपिक्स को रिपीट किया गया है एथिक्स के पेपर में अगर आप देखोगे. तो अगस्त में यू कैन डिस्कस एथिक्स. ओके तो अगस्त में हमारा टारगेट रहेगा कि हम एथिक्स को कंप्लीट करें. अलोंग विद दिस वी विल ट्राई राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अगेन 50% ऑफ आवर डे वी विल गिव टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट. नाउ इन सितंबर, सो मान लीजिए यहाँ पे आपका एथिक्स खत्म हुआ. वी विल स्पेंड 1 week इन वर्ल्ड हिस्ट्री. इसके नोट्स मैं आपको डाल के दे दूंगा. आई हैव वेरी गुड नोट्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. थोड़े ब्रॉड हैं, आपको लग जाएगा एक हफ्ता पढ़ने में. और लोग आपको कहेंगे भी कि एक हफ्ता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव द टाइम एंड यू हैव द लग्जरी कि आप इसे अच्छे से करो. यू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉपरली, यू मेक नोट्स फॉर इट, सॉर्टेड इन सितंबर.
same for post independence, 1 week sorted. Then we'll do geography from a mains perspective, where we'll do location of industries and resources in the world, right? ये वो वाला पार्ट होता है जो हम जनरली नहीं पढ़ते. Then in October we'll deal with internal security for 1 week. Mains में जो agriculture वाला पार्ट है ये आपको pre में भी बहुत help करेगा. There are questions in the prelims from agriculture portion. So mains में जो agriculture वाला पार्ट है जिसमें PDS, e-technology in the aid of farmers, food processing industries, etc. etc. ये जो topics हैं ये सारे यहाँ पे discuss होंगे. And in 2 weeks you'll be able to do that. And then last week of October you spend doing disaster management. तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट, सेम फॉर्मेट. हम पहले रीड करेंगे किसी भी सोर्स को, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमारी रीडिंग बेटर जब हो जाएगी तो इससे फिर हम फाइनली नोट्स बनाएंगे. लास्टली नवंबर में 1 week और हाफ अ वीक फॉर सोशल जस्टिस, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे, करंट अफेयर्स बेस्ड है, तो ये हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं. देन 1 week आई एम पुटिंग एज रिजर्व, क्योंकि कहीं जाना भी होगा, कुछ काम भी होगा. एंड 1 week आई एम पुटिंग फॉर एसे, ये नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, बट ये करना जरूर एंड में, क्योंकि ये तब करना व्हेन यू नो ऑल दी अदर डायमेंशंस. इतने सारे जीएस सब्जेक्ट होंगे जो हमने आज तक टच ही नहीं किए, वो डायमेंशंस भी हमें आनी चाहिए. देन यू स्टडी पॉलिटी फॉर मेंस इन द लास्ट 2 weeks ऑफ नवंबर. इसमें हम पॉलिटी का वो वाला पार्ट पढ़ेंगे जो जनरली हम नहीं पढ़ते. सो वंस वी डू ऑल ऑफ दिस ऑन 30th नवंबर वी विल फिनिश विद पॉलिटी फॉर मेंस एंड वी विल बी रेडी फॉर starting our prelims preparation from 1st December. 1st December तक हम नहीं सोचेंगे prelims paper के बारे में. Only from 1st December we will think about the prelims paper. उससे पहले कोई भी point नहीं है, because ultimately real game means में है. इस calendar की PDF अगर आपको चाहिए, it's a printable calendar. You can get it from my Telegram channel. The link is in the description. Yeah. So if you want the PDF, you can get it from my Telegram channel. Again, link दिया हुआ है. Now, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, although this is not such a big video, it is just a 17 minute video, but अगर आपने यहाँ तक देखी है, it means that you are serious about your career. Show me that you are serious by writing in the comments that I will be mains ready. I will be mains ready by November 2023. Because जो लोग इस साल का mains देके आएंगे, वही आपका competition है. They will definitely be mains ready for next year. जो इस साल mains 2023 दे रहे हैं, वो डेफिनेटली मेंस रेडी होंगे बाय नवंबर 2023. यू ऑल्सो नीड टू बी मेंस रेडी बाय नवंबर 2023. राइट दिस इन द कमेंट्स एंड शो मी दैट यू विल वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आपका प्री हो जाए, देन यू डोंट हैव द फीलिंग कि यार अब क्या, व्हाट डू आई डू नाउ. आपको भी अंदर से पता है, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस नो दिस फ्रॉम इनसाइड, कि अगर इस बार आपका प्री हो भी जाता तो मेंस में कोई बहुत अच्छा चांस नहीं था. बट वी कैन नॉट बी इन द सेम सिनेरियो नेक्स्ट ईयर, सो वी विल फॉलो दिस प्लान. We'll finish our optional by giving 50% of our day to it. We will finish ethics. We will finish the untough subjects of GS. और यहाँ पर जितने previous year questions लिखने हैं, हम previous year questions लिखेंगे. All right. Thank you for watching. See you in the next one. One last thing जो मैं बताना भूल गया हूँ, is the update about the career counselor. जो मैंने बात करी थी about a backup plan. That I have spoken to Miss Yashi. She has a lot of experience in this field. And she will be here on this channel on this Sunday. All right. Thank you for watching. See you next time.